Your colleagues are suffering in the cold. Okay, so please kindly take the house as well to consider it, sir. Thank you. Ramji Bhai, Harji Bhai, Mukhariya. Very nice, very nice. Ramji Bhai. Yes. Yes. Please consider. Subhapati Sri. मान्य उपसभापति श्री, मैं बांध सुरक्षा के इस बिल के समर्थन में मैं खड़ा हूं आज इस सदन में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मान्य कदावर नेता श्री मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ये बिल पेश किया है, जिसका मैं सहे दिल से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं और दोनों वरिष्ठ नेतागण का आभार व्यक्त करता हूं। ये जो बांध सुरक्षा के बारे में अगली सरकारों ने भी सोचा था, समिति का गठन भी हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं रहे। परंतु हमारी मोदी जी की सरकार ने हमारे किसान भाइयों के हित में, जन समुदाय के हित में, सुरक्षा के हित में ये बड़ा निर्णय किया है। जो देश में 5,200 से अधिक बड़े बांधों को जिसकी ऊंचाई 10-15 मीटर से अधिक है, उनको लागू होगा। ये बिल लाने से बांध बनाने में समय मर्यादा में काम होगा, स्ट्रक्चर और डिजाइन अच्छा होगा, विस्थापित लोगों को कोई भी विवाद नहीं होगा। ये फॉरेन फंड से स्पॉन्सर एक्टिविस्ट जो हमारे गुजरात में नर्मदा में हुआ था, वो बांध में बाधा नहीं डाल सकते। जो हमारे नर्मदा बांध में डाला था, मान्यवर मैं गुजरात से आता हूं, काश ये बांध सुरक्षा बिल पहले से आया होता तो हमारे गुजरात के मोरबी शहर के मच्छू डैम का ये जो हादसा हुआ था वो हादसा भी नहीं होता। मेरे अगले वक्ता ने बोला जो 5,000 लोग उसमें मर गए थे वो काफी जानहानि हुई थी, वो भी नहीं होती। ये नर्मदा बांध का विवाद वर्षों तक चलते थे, नेहरू जी ने स्टोन लगाया, फिर नानी जी आई, नानी जी के बाद फिर लड़का आया, लड़का के बाद फिर पोता आया, फिर भी हमारा डैम पूरा नहीं हुआ। और हमारे मान्य उसी टाइम के मुख्यमंत्री, तत्काल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब ने उपवास पर बैठना पड़ा और उपवास के बाद ये सब काम आगे हुआ। तो ये नर्मदा बांध का विवाद जो लंबे तक चलते थे, वो अगर ये बिल आ गया होता, आपने पास करवाया होता, तो ये कुछ नहीं होता। और इसलिए मैं फिर से इस बिल का समर्थन करता हूं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी को धन्यवाद देता हूं। वो दुखता है गुजराती में बोलता हूं, मैं गुजराती हूं, गुजरात से आया हूं, दुखे छे माथू ने पेट में कूटे छे, बार बैठा छे बार, एनो कोई हमारी कोई जवाबदारी नहीं। जरा माफी मांगो अने अंदर आओ, कोई वांधो नहीं। अने पानी बिना मछली, जल बिना मछली, सत्ताबन विपक्ष, तो ये दिक्कत तो आती है। अगर समझ जाओगे 303 से हम 404 हो जाएंगे, नहीं समझेंगे तो 40 से 4 हो जाएंगे। मेरी सब आपको विनंती है कि आप ये बिल को समर्थन करो और जल्दी से जल्दी जरूरी कार्यवाही हो जाए और आप भी यहाँ बैठे रहे, सेवा करें और हम भी सेवा करें। लोगों का काफी पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप, वो जरूरी नहीं है। आपको हमको सबने भेजा है अच्छा काम करने के लिए, देश की सेवा में भेजा है, लेकिन आप काफी नुकसान कर रहे हैं, तो फिर एक बार माफी मांग लो और बार को बार ले जाओ, उसको अंदर ले आओ। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, बढ़िया। माननीय अजीत कुमार, बहुत बढ़िया। माननीय अजीत कुमार भुइया, प्लीज कृपया सीट पर बैठकर बात न करें, कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। माननीय अजीत कुमार भुइया, नॉट प्रेजेंट। श्री हर्षवर्धन सिंह, डूंगरपुर। थैंक यू चेयरमैन।